मैं डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, एमएससी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भरतपुर राजस्थान। आज हम बीए पार्ट प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र में आपके जो पाठ्यक्रम में हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसे में दो काल दिए गए हैं, आदिकाल और भक्तिकाल, जिसमें से आदिकाल पर हम चर्चा करेंगे। आदिकाल साहित्य इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण काल है। इसको समझने से पूर्व जो है हिंदी साहित्य इतिहास के चारों कालों के बारे में हम सामान्य जानकारी करेंगे, जिसमें सबसे पहला काल आदिकाल, जिसे कि वीरगाथा काल भी कहा जाता है। इसका समय संवत 1050 से संवत 1375 तक माना जाता है। दूसरा पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्तिकाल भी कहा जाता है। इसका समय संवत 1375 से और संवत 1700 तक माना जाता है। तीसरा उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतिकाल भी कहा जाता है। इसका समय संवत 1700 से और संवत 1900 तक माना जाता है। चौथा आधुनिक काल, जिसे गद्यकाल भी कहा जाता है। इसका समय संवत 1900 से और आज तक माना जाता है। आदिकाल के नामकरण को लेकर के विभिन्न विद्वानों में मतभेद है, क्योंकि यह सर्वाधिक विवादास्पद काल नामकरण को लेकर के रखा जाता है। इसमें सबसे पहले डॉक्टर ग्रियर्सन ने इसका नाम चारणकाल रखा, मिश्रबंधुओं ने इसे प्रारंभिक काल नाम दिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल नाम दिया, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीज बपन काल नाम दिया, राहुल सांकृत्याय ने सिद्ध सामंत काल कहा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे संधिकाल एवं चारणकाल कहा, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे वीरकाल कहा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल कहा, डॉक्टर हरीशचंद वर्मा एवं डॉक्टर रामखिलावन पांडे ने इसे संक्रमण काल कहा, डॉक्टर वासुदेव सिंह ने इसे उद्भव काल कहा, आदि आदि अनेक नामों से इस काल को पुकारा गया। आदिकाल की प्रवृत्तियों को लेकर के भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आदिकाल की प्रवृत्तियां आदिकाल में लिखे गए साहित्य के आधार पर ही जो है निश्चित होती है। सबसे पहले हम वीर रस की प्रधानता के बारे में जानकारी करेंगे। आप सब जानते हैं कि यह काल वीरता से ओतप्रोत है, जब ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल कहा, और वीर रस की ही इसमें प्रधानता है। उल्लेखित भी है व्याप्त वीरता का जो भाव है कि 12 वर्ष लो कूकर जीवे अरु 13 लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। इस काल में जो है अनेक रासो ग्रंथ लिखे गए जो कि वीरता से भी ओतप्रोत रहे। दूसरा है युद्धों का सचित्र वर्णन। कवियों ने युद्धों का सचित्र वर्णन किया है। उन्होंने अपनी लेखनी में जहाँ पर जो साहित्य रचना की, उसके साथ साथ जो है उन्होंने युद्धों में भी भाग लिया। कवियों के जैसे कि उल्लेख आता है इसमें कि राजाओं के साथ उन्होंने बहुत से युद्ध भी लड़े हैं, और उन्होंने अपनी लेखनी से जो है युद्धों का वर्णन भी किया है। जैसा कि एक उल्लेख आता है कि न कोई हारे नहीं जित्त है, रहे न रही सूरवर, धर ऊपर भर परत करत अति युद्ध महावर, कहो कमद कहो मथ्य कहो कर चरण अंतरूर, कहो कंद वही तेग कहो सिर जुट फुट उर। इस तरह से युद्धों का वर्णन उन्होंने किया है। तीसरा आता है श्रृंगार रस की श्रेष्ठता। इस काल में जो है अनेक रसों का भी उल्लेख जैसे आता है, वहीं श्रृंगार रस का भी उल्लेख आता है। श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का इसमें चित्रण है। जैसे कि बीसलदेव रासों में श्रृंगार में षड ऋतु वर्णन, रूप सौंदर्य, वय संधि, नक्षिक वर्णन आदि काव्य रूढ़ियों की सुंदर योजना है। पृथ्वीराज रासों में पद्मावती की वय संधि का भी बड़ा सुंदर चित्रण बन पड़ा है। अतएव इस काल में जो है श्रृंगार रस की श्रेष्ठता भी रही है। और ये भी उल्लेख है कि जाकी कन्या सुंदर देखी, तापे जाय धरी तरवारा। राजाओं ने सुंदरी हरण अथवा बलपूर्वक विवाह के कारण जो है युद्ध लड़े थे, ऐसी स्थिति में कवियों ने उनका चित्रण किया है। चौथा आता है संकुचित राष्ट्रीयता। आप जानते हैं कि उस समय राष्ट्र बड़े छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित था, और राष्ट्रीय भावना का पूर्णतः उस समय अभाव था। राष्ट्र उस समय संपूर्ण भारतवर्ष के लिए नहीं बल्कि अपने अपने प्रदेश एवं राज्य के लिए प्रयुक्त होता था। जब तत्कालीन राजाओं ने अपने 150 गांवों को ही राष्ट्र समझ रखा था, तो फिर उनके आश्रित कवियों को उन्हीं के पदचिन्हों पर ही चलना था। ऐसी स्थिति में चाटुकारिता में राष्ट्रीयता उस समय दब चुकी थी। पांचवा है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। उस काल में जितने भी कवि रहते थे वो राजाओं के उस आश्रय में रहते थे, और अधिकांश कवि उन राजाओं की चाटुकारिता भी करते थे। उस स्थिति में उनका साहित्य भी लिखा जाता था। जैसे कि रासो ग्रंथों में कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की धर्मवीरता, युद्ध कुशलता, ऐश्वर्य आदि का वर्णन बड़ा चढ़ा करके ओजस्वी भाषा में किया। इस काल के कवियों की दृष्टि अपने चरित्र नायक की श्रेष्ठता
तथा उनके विरोधी राजा की हीनता और चारित्रिक दुर्बलता के वर्णन में रहती थी। इन कवियों के लिए जीविका और निश्चित साहित्य साधना के लिए ऐसा करना उनका आवश्यक था। ये आश्रित कवि राजा के मित्र हुआ करते थे, इसलिए युद्ध क्षेत्र तक में भी वो साथ निभाते थे। आपके पाठ्यक्रम में विद्यापति जो है वो रखा गया है, और विद्यापति ने जो है अपने कवि अपने राजा कीर्ति सिंह को लेकर के उन्होंने कीर्ति लता और कीर्ति पता का ग्रंथ भी रचना उन्होंने की। छठा है हिंदी कविता का प्रारंभिक रूप। उस समय आदिकालीन साहित्य की प्रामाणिकता संदिग्ध होते हुए उनके प्रारंभिक काव्य रूप एवं साहित्यिक महत्व को नहीं भुलाया जा सकता। हिंदी भाषा के आदिम स्वरूप की परिचायक प्रवृत्तियां कविता में मिलती है। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश में गद्य तथा पद्य दोनों में साहित्य लिखने की परंपरा थी। फिर भी हिंदी में केवल पद्य लेखन की परंपरा अपनाने का कारण संभवतः यह था कि हिंदी के प्रारंभिक स्वरूप को पद्य में मान्यता दिलाना आवश्यक था। लोक भाषा के प्रारंभिक स्वरूप को साहित्य में मान्यता दिलाकर ही भाषा विकास की प्रक्रिया को सशक्त किया जा सकता था। इस काल में केवल डिंगल, पिंगल, मैथिली और खड़ी बोली के विकास को कविता द्वारा तीव्रता और मान्यता प्रदान की गई और इन भाषाओं को साहित्यिक रूप दिया गया। सातवां आता है सांस्कृतिक महत्व। आदिकाल में रचा गया साहित्य सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश ग्रंथों के अतिरिक्त आदिकाल का महत्व हिंदी ग्रंथों के ऐतिहासिक प्रमाण ढूंढने की दृष्टि से भी है। 19वीं शताब्दी में इस काल के साहित्य ने इस दृष्टि से देश विदेश के विद्वानों और साहित्य इतिहास लेखकों का ध्यान आकर्षित किया। इससे साहित्य को अधिकाधिक प्राचीन सिद्ध करने और उससे ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त करने का विद्वानों ने प्रयास किया। इसके अतिरिक्त भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी इस साहित्य का महत्व है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जो है कहते हैं कि उससे भारत की एक सुदीर्घ सांस्कृतिक परंपरा पर प्रकाश पड़ता है और वह तत्कालीन मनुष्य को उसकी आशा आकांक्षाओं, सफलताओं, दुर्बलताओं आदि के साथ खड़ा कर देता है। इस तरह से जो है ये इस तरह से यहाँ सांस्कृतिक महत्व को प्रकट किया है। आठवां है भाषा और प्रबंध काव्य। आदिकाल में हिंदी भाषा और साहित्य का उदय हुआ था। आरंभिक काल में किसी भाषा का विकास शैशव अवस्था में होता था, इसलिए उससे ये आशा नहीं की जानी चाहिए कि उसमें प्रौढ़ साहित्य लिखा जा सकता है। आदिकाल के डिंगल और पिंगल जो कि ब्रजभाषा पिंगल कहलाता है और डिंगल जो है वो राजस्थानी भाषा कहलाता है, मैथिली और खड़ी बोली के साहित्य को देख करके ऐसा नहीं लगता कि ये शिशु भाषा की तुतलाहट है। डिंगल पर अवश्य अपभ्रंश भाषा की छाया है, पर मैथिली ने विद्यापति ने जो रस बरसाया उसे चक्कर भाषा की साहित्यिक प्रौढ़ता का आस्वादन होता है। ब्रजभाषा और खड़ी बोली में खुसरो का साहित्य भी मिलता है जो कि बहुत ही अनूठा है। नमा आता है अलंकार और छंद प्रयोग। इस काल में वीर काव्यों में वीर रस की प्रधानता और वीरोचित वर्णन में अतिशोक्ति प्रधानता से अतिशोक्ति अलंकार का बहुत प्रयोग हुआ। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक आदि सभी अलंकारों के उदाहरण इस काव्य में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त दोहा, तोटक, तोमर, गाथा, गाहा, आर्या, कुंडलियां आदि छंदों का भी प्रयोग बड़ी कलात्मकता के साथ हुआ। इन कवियों ने छंद परिवर्तन चमत्कार उत्पन्न करने हेतु नहीं अपितु अतिशय भाव द्योतन के लिए किया है। फलतः छंद परिवर्तन में कहीं भी अस्वाभाविकता नहीं आई है। इस संदर्भ में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि राशों के छंद जब जब बदलते हैं तो श्रोता के चित्त में प्रसंगानुकूल नवीन कंपन उत्पन्न करते हैं। अतः ये कहा जा सकता है कि आदिकालीन साहित्य अलंकार और छंदों के प्रयोग में विशिष्टता प्राप्त हुए हैं। अब हम आगे जो है भक्ति काल को पढ़ेंगे।